अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को खुश आमदीद। स्कर्दु पहुँचे हैं, आप देखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। जिशान भाई बताएंगे इंशाल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सब देखने सुनने चाहने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और अभी इंशाल्लाह हमारा सफ़र स्कर्दु से स्टार्ट हो रहा है मनथोका वाटरफॉल के लिए। और मनथोका वाटरफॉल के बाद फिर जो है हम आएंगे ब्लाइंड लेक की तरफ। ब्लाइंड लेक के बाद फिर जाएंगे इंशाल्लाह शिगर फोर्ट। शिगर फोर्ट के बाद फिर सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या मूड बनता है। स्कर्दु में जो होटल है, रिजॉर्ट है, जहाँ पर नाइट स्टे के लिए बुक किया, इसका व्यू चेक करें। गार्डन इसका बड़ा खूबसूरत, लश ग्रीन। बगीचे में गुलाब के फूल हैं खिले हुए। ये रूम्स हैं। इस तरह के रूम हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए इन्होंने। यहाँ पर अभी तक बहार है जोपन पर, बाकी पूरे मुल्क में गर्मी है, हर चीज़ जल गई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक बहार है। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रहा है स्कर्दु बाजार। ये फ्लाइट भी आई है, एक जहाज भी जा रहा है, अभी आई है, लैंड हो रहा है। एयरपोर्ट इधर बिल्कुल नज़दीक ही है ना। जी जी, मैं इसकी कहीं दुकान देख रहा हूँ ना, जीन्स का वो पैंट चाहिए। स्कर्दु वाकई इन पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच दामन में, बर्फ़ पड़ी हुई है। स्कर्दु बाज़ार जो अभी खुल रहा है, सुबह हुई है, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। यहाँ पर आए हैं बेल्ट खरीदने। यहाँ पर अभी तक सर्दियों का ही चल रहा है, कुछ दिन हवा चला, मौसम खराब है, मौसम खराब है अभी इधर ना। गर्मी कब शुरू होती है इधर? मई जून अगस्त तक बस। अच्छा, उससे पहले उसके बाद सर्दी रहती है। अच्छा अच्छा, अगस्त अक्टूबर के 15 अक्टूबर से। अच्छा, और फिर अप्रैल तक रहती है। असल में मार्च तक वो थोड़ा बहुत सर्दी रहते हैं, वो मौसम के ऊपर डिपेंड है ना। सही, मौसम सही हो गया हमारे के आखिर में गर्मी शुरू हो जाता है। सईद अख्तर अब्बास, आपकी भी दुकान है कपड़े की? ये आपकी है? अच्छा 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 अच्छा, ये आपके बेटे हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया। जैसे किसी ने तो पेंटिंग नहीं होती है, हाँ जी, उस तरह का पेंटिंग बनाई हो किसी ने आज।
पर आ गए। ये एक ऐसी जगह पर आ गए जो जो बिल्कुल ही मरीख की तरह लग रही है। ऐसे ही पहाड़ नासा वाले बना बना के वीडियो भेज रहे होते हैं, इधर से ही मेरे ख्याल में कहीं बना के वो भेज रहे होते हैं। बिल्कुल ही मरीख की तरह के पहाड़ हैं। और इधर देखें ये नज़ारा, बड़ी ठंडी हवा आ रही है शदीद किस्म की, बादल आ गए अचानक से पहाड़ों पर, अभी शायद बारिश होने को है। यह जगह अगर आप बराह रास्त आंखों से देखें सीधे कैमरे की आंख से हटकर, तो ये ऐसे ही लगेगा जैसे मरीख पर आ गए। स्कर्दु से कोई तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच आए हैं मानटोका वाटरफॉल। व्यू चेक करें, बहुत ही बड़ी आबशार है, बहुत ही हाइट से आ रही है। नीचे ये सारा पानी बह के रेसिन में जा रहे हैं। ये ब्रिज है जो जिसके जरिए आप जाएंगे बिल्कुल ही इस पार। पार है कोई रिसोर्ट कोई रह। यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों की चोटियों पर के हर जगह से पानी आ रहा है, नेचुरल मिनरल वाटर बहुत से ऐसे आए हुए हैं तो दराज से छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं मानटोका वाटरफॉल से, पत्थरें भी आ गई हैं, पत्थरें भी देखें काटने को ना दे रहे, बड़ी बड़ी बतूँ फैमिली है बड़ी बतूँ की। ये नाला देखें, नाला कम दरिया ही है इतना, जितनी स्पीड के साथ ये बह रहा है। और ये शेकिंग ब्रिज है जो वाटरफॉल को दूसरी तरफ से जोड़ता है। इनक्रेडिबल ब्यूटीफुल। यह है पैदल ब्रिज जो क्रॉस करने वाला है, बहुत ही शेकिंग ब्रिज है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितना हिंदा होगा, देख लें इसके जो वायर हैं। बड़ा ख़तरनाक ब्रिज है ये। बहुत ज़्यादा हिलने लगा है ये, बहुत ही शदीद। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मानटोका वाटरफॉल पे और ये आप हमारे साथ देख लें। ये है मानटोका वाटरफॉल, ये इधर से गिर रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट है। ये अभी जिशान भाई बताएंगे कि स्कर्दू से भाई स्कर्दू से हमारा लगा है यहाँ तक कोई तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था और वाया कारगिल रोड से हम आए हैं
और यहाँ तक का हमारा था बहुत अच्छा सफ़र रहा, और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।